चलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है फाइव ट्रिक्स की तरफ से। तो इनका एक गाना आया हुआ है जिसका नाम है ले लोटा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है ग्रेविटी की तरफ से। तो ग्रेविटी की EP रिलीज़ हुई है जिसमें कि 6 ट्रैक हैं, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है बाजीगर म्यूज़िक की तरफ से। तो इनका एक गाना आया हुआ है जिसका नाम है बिलन, और ये काली दे नाली मतलब कि म्यूज़िक लेवल से आया हुआ है, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ वो आ रही है स्टार निक की तरफ से। तो इनकी एक वीडियो आई हुई है टेड एक्स टॉक्स करके, ऐसा एक चैनल है जिसपे कि 29 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उस पर इनकी एक वीडियो आई हुई है जिसमें कि उन्होंने उनकी जर्नी के बारे में बात की हुई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है EPR की तरफ से। तो EPR ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था DHH एंड रेडी फॉर दिस, मार्क द डेट 23/1/2021 एक तरफ। तो यहाँ पर हो सकता है कि 23 तारीख को उनका एक तरफ जो सॉन्ग है वो रिलीज़ होने वाला हो। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है यावर म्यूज़िक की तरफ से। तो ये यूजी म्यूज़िक है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक Q&A रखा था जिसमें कि किसी ने पूछा हुआ था यावर एक्स यूजी, तो उन्होंने लिखा हुआ था इस कोशिश में तो मैं भी लगा हूँ, इट्स ऑलवेज़ अ ड्रीम फॉर मी कोलैब विद यावर भाई। तो इस पे जवाब देते हुए यावर म्यूजिक ने लिखा हुआ था सही गाना सही वक्त पे बूम। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है MC Stan की तरफ से। तो MC Stan ने अपने इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डाली हुई थी, आप देख सकते हो स्नैक वाली। तो हो सकता है मतलब कि जल्दी हमको ये देखने के लिए मिलने वाला है उनका सॉन्ग, अब पता नहीं उस सॉन्ग का नाम क्या होने वाला है, पर वो एक दो दिन से ऐसी स्टोरी डाल रहे हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है कृष्णा की तरफ से। तो कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाली हुई थी, आप देख सकते हो, जिसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था न्यू सिंगल फ्रॉम द एल्बम ड्रॉपिंग सून स्टिल हेयर एंड गोइंग नो वेयर, और साथ ही उन्होंने नीचे हैशटैग लगाए हुए थे #rap#solo। तो यहाँ पर जल्द ही उनकी स्टिल हेयर एल्बम हमको देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की हुई थी, तो आपको पता होगा एक रैप बैटल की लीग चल रही है जिसमें कि कृष्णा की टीम भी है और भी बहुत सारी टीम है, तो उसी पर उन्होंने एक वीडियो डाली हुई है, आप खुद देख सकते हो। ब्रेकिंग पॉपिंग ग्रफिटी या रैप टीम गैमा ही जीतेगा, दैट इज अ फैक्ट। यो दिस इज कृष्णा लीडिंग टीम गैमा एंड दैट वाज द ऑफिशियल टीम गैमा चैंट। इफ यू वांट टू सपोर्ट टीम गैमा देन रिकॉर्ड योरसेल्फ डूइंग द सेम चैंट एंड अपलोड अ स्टोरी, डोंट फॉरगेट टू टैग मी एंड टैग रिजर्व विद शफल। ऑल्सो RSVP फॉर द लीग क्वालिफायर्स ऑन 24th and 30th January 2021। लेट्स गो। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है रणबीर पाजी की तरफ से। तो रणबीर पाजी ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज डाली हैं जिसमें कि उन्होंने बताया हुआ था कि उनके कोलैब सॉन्ग आने वाले हैं भगत के साथ में, साथ ही वो एल्बम भी ड्रॉप करने वाले हैं, तो जल्दी उनकी एल्बम भी देखने के लिए मिलने वाली है। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है MZ Bella की तरफ से। तो MZ Bella ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली जिसमें कि उन्होंने बताया हुआ था कि उन्होंने उनकी जो फील हाई एल्बम है उसके लिए एक और गाना मतलब कि शूट कर लिया है और वो जल्दी हमको देखने के लिए मिलने वाला है। तो अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है बोहिमिया पाजी की तरफ से। तो बोहिमिया पाजी से एक इंटरव्यू में पूछा हुआ था यो हनी सिंह के बारे में, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा हुआ है। क्या वर्ड होगा जो आप हनी सिंह के लिए यूज करेंगे उनको डिस्क्राइब करने के लिए? वन वर्ड फ्रॉम बोहिमिया फॉर हनी सिंह। क्रिएटिव। हनी और मैं एक्चुअली भी रिसेंटली बातचीत कर रहे थे, मेरे फैंस को ये सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन रिसेंटली इस टाइम पे बातचीत कर रहे थे और वो एक दूसरे को हम एक दूसरे के गाने की बातें हैं और एक दूसरे के म्यूजिक की बातें हैं। तो इट्स अ जर्नी, इट्स बीन सच अ इंटरेस्टिंग जर्नी बिटवीन मी एंड हनी। बट आई विल ऑलवेज इन रेट्रोस्पेक्ट आई विल ऑलवेज enjoyed his creativity, I've always appreciated him as an artist. उसका जो contribution है, मैं समझता हूँ कि जब ये चीज start हुई, मैं और जेहन जब हिंदुस्तान आए, जिसमें बात बन गई हनी बोहिमिया, हनी बोहिमिया, वो that was the blessing because that was the birth because of that, because of हनी सिंह, because हनी ने वो starts किया. Yeah. So that's the competition. अकेला बॉक्सर कब तक रिंग में खड़ा रहेगा, मैं चैंपियन हूँ, मैं चैंपियन, जब तक उसके लड़ने नहीं आएगा। True. तो हनी अगर ना आता तो ये जानरा इस मकाम तक ना पहुंचता, इतना इंपॉर्टेंट है उसका रोल। अब वो रैप करे ना करे उसकी मर्जी है। तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है MEWE की तरफ से। तो MEWE ने आज अपने इंस्टाग्राम पे 3.1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए हैं, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि रफ्तार के भी इतने ही फॉलोअर्स हैं, 3.1 मिलियन। तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।